कुंभ में तरह तरह के साधु संन्यासियों का जमवाड़ा लगा हुआ होता है। इनमें से कई पढ़े लिखे साधु संत भी है। इनमें से एक ही है प्रत्यंगिरा नाथ, जो एक महिला घोड़ी है और इस समय प्रयागराज कुंभ में है। हैरानी की बात तो यह है कि यह महिला घोड़ी काफ़ी पढ़ी लिखी और शादीशुदा है। प्रत्यंगिरा की शादी 2007 में हुई थी। उनकी एक बेटी भी है, लेकिन 8 साल पहले उन्होंने सब कुछ त्याग करके शमशान का रास्ता चुन लिया, महिला घोड़ी बन गई। आमतौर पर महिलाओं का शमशान या कब्रिस्तान जाना मना है, लेकिन यह महिला घोड़ी शमशान में शिव साधना करती है। यह महिला घोड़ी गले में नरमुंडो और रुद्राक्ष की माला पहनती है, साथ ही काले रंग का कपड़ा भी पहनती है और सिर पर भी काले रंग की पगड़ी और एक विशेष अंगूठी धारण करती है। प्रत्यंगिरा सिर्फ रात में ही भगवान शिव और माँ काली का साधना करती है। इस महिला घोड़ी का कहना है कि लोगों के कल्याण के लिए घोड़ी बनी है, वह सभी की मदद करना चाहती है। उनका कहना है कि वह दैवीय ऊर्जा से लोगों के दुख दूर करना चाहती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस महिला घोड़ी साधु के बारे में? अपना जवाब हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।